आज हम इस वीडियो में आपको नॉलेज कभी भी यूज नहीं देता हमारी सेहत के लिए, तो आपको वीडियो पूरे एंड देखनी है। और यार आपको जो इस चैनल कर दी सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले जिसकी नोटिफिकेशन होने वाले हमारे चैनल के बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी जोरदार वीडियो। एक बात कंसीडर यहाँ पे ये कर दूं कि जितने भी हमारे रट्टू मार बच्चे होते थे, जितने भी हमारे रट्टू मारा ABCD पढ़ते थे ना, उनके लिए तो सबसे ज्यादा घाटा होने वाला है, सबसे ज्यादा घाटा होने वाला है। क्योंकि अब के पेपर में आपकी जो पैटर्न आया है उसमें घाट मतलब रटने का तो सिस्टम ही गायब हो गया। और जितने भी हमारे बच्चे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो मतलब फोकस से पढ़ते हैं, जितने माइंड से पढ़ते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को पूरे एंड देख लीजिए कि क्या क्या उसमें अंदर बदलाव आए हैं हमारे CBSE। मैंने अपने हाथ में ले लिया फोन, उसके अंदर मैंने फीडबैक देख रहा हूँ। तो मैं पहले आपसे पहले इसका जो जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है वो मैं उसकी ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको मैं दिखा सकूँ। तो यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली, आपको आपको शो हो रही होगी ना? अरे तो आ जा जल्दी से आ जा। तो आपको शो हो रही होगी, तो अब देखें सबसे पहले आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा क्या, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि इसके नीचे क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE। तो सीधा अपने मुद्दे पे आए थे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने मुद्दे पे हम आ जाते हैं। तो ये पीडीएफ तीन पेज की पीडीएफ है, आपको इसकी लिंक जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, पीडीएफ देख के समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, ये हमारा दिख रहा है क्लास 9th एंड 10th के लिए, दिख रहा है सर जी? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्लास 9th और 10th के लिए इससे नीचे ही आपको दिख रहा होगा 2020 और 21 सेशन, यानी कि इसका लास्ट ईयर सेशन जो था उसके बारे में आपको यहां दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको पहले लाइन आप पकड़िए, पहला पॉइंट जो है इसका वो पढ़िए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20%। मतलब जो पहले, इससे पहला वाला जो हमारा जो पैटर्न था एग्जाम पैटर्न, जो हमारा 2020 सेशन था, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20% थे। और इससे नेक्स्ट पॉइंट था वो है हमारा केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटिव, यानी कि जो हमारे केस स्टडीज जो होती हैं, जो हमारे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो 20% है। कितना हो गया? 40%। और इसके नेक्स्ट वाला जो था वो 60% हो गया हमारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और जो हमारे रीजनिंग क्वेश्चन होते थे वो सारे हमारे 60% में इंक्लूड हो जाते। ये तो हमारा हो गया पिछले सेशन का, उसको तो भूल जाओ। नेक्स्ट क्या देखो जी, यहाँ पे आपको चेंज मिल जाएगा, आपको स्क्रीन शोर होगी, वहाँ पे बहुत बड़ा चेंज मिल जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन वुड बी मिनिमम, यानी कि क्या भाई, दीज कैन बी इन द फॉर्म द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ एनी टाइप्स। इसमें क्या देखो, पहले क्या था, 20% जो था हमारे MCQs आते थे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, वन वर्ड में मिल जाते थे, ठीक है। अब और जो 20% क्वेश्चन थे वो आपको क्या मिलते थे, केस बेस्ड सोर्स वाले मिलते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि 30% वाले जो होंगे ना वो आपके केस स्टडी वाले होंगे और आपके मल्टीपल चॉइस वाले भी होंगे, आपके वन टाइप क्वेश्चन आंसर वाले भी होंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी 20%। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20% तो मिल रही है, तो वही अलावा इसका पॉइंट दे रखा है। तो मतलब आपको जो सपोज ऐसा अनसीन पैसेज किया करते थे, तो उसके अंदर आपको इंग्लिश वाले में अपने अब तक करे होंगे, तो इंग्लिश में आपको पैसेज मिले होंगे, ऐसे टाइप से ऐसे के क्वेश्चन आ जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पचा हमारे कितना बचा, 30, 20, 50 और 50 बचा हमारे, 50% क्या रह गया, वही लॉन्ग आंसर, रीजनिंग क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ये बात तो गई साहब हमारी क्लास 9th एंड 10th के लिए। अब हमारी आती है क्लास 11th एंड 12th के लिए, यार उनका क्या अपडेट हुआ है, तो देखते हैं सर जी क्या अपडेट हुआ है। तो 2020-21 का, हालांकि अब तक का जो हमारा इसका जो पैटर्न था कि 10 क्वेश्चन जो थे वो थे हमारे 20% क्या है, अपडेटेड टाइप क्वेश्चन इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20% अब तक का। केस बेस्ड सोर्स जो थे वही 10%, कितना हो गया 30%, बचे 70% लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, रीजनिंग क्वेश्चन।
अब जो होता है हमारा, अब जो हमारा सीबीएसई ने करा है चेंज, वो करा है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विल बी 20% दिया भी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी, वही बात 20% वही केस स्टडी जो मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे और आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ एक आपको एक पॉइंट और बताऊंगा मैं लास्ट में कि आपको सबसे ज्यादा उस पर फोकस कर लेना है, जी सर जी बिल्कुल फोकस कर लेना है, क्योंकि जो हमारा उस पर जो बताया नया एक नया पॉइंट और निकाला सीबीएसई ने, बिल्कुल अलग पॉइंट निकाला, मैं आपको थोड़ी देर बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी 20% वही पॉइंट ऊपर वाला आ गया, रिमेनिंग 60% लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर एज पर द एग्जिस्टिंग पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है और ये बिल्कुल क्लियर है। तो इक्के क्या डिफरेंस ये हमारे इन सब में, उसमें जो तो 30% दे रखा था हमारे कुछ उसमें क्लास 9th to 10th के लिए 20%, बस कुछ ही कुछ थोड़ा उसमें डिफरेंस हुआ है, बाकी सब हमारा वही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट के बारे में कि मैं आपको क्या पॉइंट बता रहा था। तो सर जी मैं आपको पॉइंट जो बता रहा था ना वो ये था कि अब जो आपको सीबीएसई देगी, अब जो आपको सीबीएसई कुछ क्वेश्चन देंगे वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल मतलब जो आपकी लाइफ से बिलोंग करेंगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन उसमें रख दिए जाएंगे। ये आपको बहुत ही ज्यादा मतलब आपको आज मैंने जब न्यूज़पेपर में मैंने देखा था इसके अपडेट के बारे में, तो मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि आपके आपकी जो लाइफ स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन मतलब आपके पूछ भी जा सकते हैं। तो ठीक है, आपको अब आपको रट्टा वेकेशन नहीं करना है, रट्टा वेकेशन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।